नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड पे नाम कैसे ऐड कर सकते हैं या किसी का भी नाम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से। तो आप इससे पहले आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, तो या यूट्यूब पर भी हो सकता है, आपने देखा होगा रील्स में कि लोग बताते हैं कि राशन कार्ड पे नाम ऐड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से बिना किसी आधार से, मतलब कहीं गए कंप्यूटर से, देखिए अपने मोबाइल से ही आप अपना राशन कार्ड में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बता दूं कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको मेरा राशन जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है माई राशन, अब माई राशन जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको ये वाला ऑप्शन मेरा राशन 2.0 को इंस्टॉल कर लेना है। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है दोस्तों हमारे पास पहले से, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आपको जैसे इसको ओपन करना है, जैसे आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको ये एक आपको यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं दोस्तों, यहाँ हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे ये कैप्चा डालना हो रहा होता है, यहाँ पे कैप्चा डाल देने हैं। जैसे हम आप कैप्चा डाल देते हैं तो यहाँ पे OTP लॉगिन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में OTP आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे OTP से पिन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे OTP आ जाता है तो आपको आगे का उसे बताते हैं अभी हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हमारा OTP आ चुका है, तो यहाँ पे हमको ये OTP डाल देना है, तो यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे OTP डाल देंगे तो यहाँ सत्यापित करें पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा राशन कार्ड है जो कि अब हमारे माता जी के नाम है। यहाँ पे फोन नंबर है, यहाँ पे हमारा पूरा एड्रेस लिखा हुआ होता है और यहाँ पे हमारा राशन कार्ड नंबर लिखा होता है। यहाँ पे मतलब जिस दुकान से, मतलब जहाँ पे हमारा दुकान है वहाँ जहाँ से हम राशन ले रहे हैं वो उसका नाम लिखा होता है और उसका नंबर लिखा होता है। यहाँ कितने लोग यहाँ है वो भी दिखाएगा। हमारे यहाँ पर कुल सदस्य संख्या जो है 6 है, तो यहाँ पे राशन मेरा राशन ट्रैक कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, बिक्री, ये सब जानकारी बहुत सारी है, सरकार से लाभ प्राप्त करें। यहाँ पे हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि कैसे हम और सदस्य ऐड कर सकते हैं या किसी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विवरण क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आधार KYC यहाँ पे सत्यापित करना होता है। यहाँ के अगर अभी तक आपने आधार KYC सत्यापित नहीं किया तो यहाँ पे कैसे करना है वो भी बताएंगे आपको। यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए आपको किसी को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप या डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जी हाँ आप कर देना है। जैसे आप इस तरह कर देंगे दोस्तों तो आपको उसका जो है रिमूव कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ बता देते हैं जी, जैसे आप जी हाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस कारण की वजह से आप इसको जो है रिमूव कर रहे हैं। वो करने के बाद यहाँ पे पुष्टि पे कर देंगे, तो पुष्टि करने पर करने के बाद आपको रिमूव कर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख जैसे हम अभी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे नया सदस्य जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा विवरण, उसका नाम, उसके बाद लिंग, जन्म तिथि, आयु, माता का नाम, पिता का नाम और क्या वो वैवाहिक है या कुंवारा है, बच्चा है, क्या है वो घर के ना है। यहाँ पे राष्ट्रीयता लिख लेना है जो कि भारतीय है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वैसे जो जो मांगता जाएगा वैसे वैसे भरते जाना है आपको। जैसे जैसे आप भरते जाएंगे तो वहाँ पे पूरा
केवाईसी वगैरह हो जाएगा तो यहाँ पे आपको नाम ऐड होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।